ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोबारा आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी टाइम से हम लोग मिले नहीं हैं, उसके पीछे बहुत सारी रीजन थे। तो लास्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे आगे भी। तो न्यूमेरिकल जो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आता आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यह भी एकेटिव में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि डेटा फ्रॉम द ग्रेन साइज एनालिसिस, डेटा फ्रॉम ग्रेन साइज एनालिसिस फॉर ए सोयल इज टेबुलेटेड बिलो। तो पार्टिकल साइज एनालिसिस किसी पर्टिकुलर सोयल सैंपल पे किया गया, और जो भी रीडिंग, जो भी डेटा वहाँ से कलेक्ट किया गया उसको टेबल फॉर्म में अरेंज करके लिखा गया है, अरेंज करके रखा गया है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डेटा फ्रॉम द ग्रेन साइज एनालिसिस फॉर ए सोयल इज टेबुलेटेड बिलो, तो टेबल आपका दिया है, तो टेबल में दो रो है आपका, फर्स्ट रो में आपका दिया है डाया ऑफ पार्टिकल एमएम में, तो डाया मींस साइज ऑफ पार्टिकल, तो डाया ऑफ पार्टिकल दिया है एमएम में, डायमेंशन लेना है एमएम में, और परसेंटेज फाइनल दिया है सेकेंड रो में, क्या दिया, परसेंटेज फाइनल। तो परसेंटेज फाइनल को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, तो ये भी हम लोग जानते हैं। और अगर याद होगा तो हम लोग पढ़े भी थे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में जब हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करते हैं तो दो एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज फाइनल से, और एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। तो जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है उसमें भी यही दो टर्म्स है, साइज ऑफ पार्टिकल और परसेंटेज फाइनल। तो फर्स्ट रीडिंग दिया गया है, डाया आपका 2 है, परसेंटेज फाइनल 100, 100। तो यह डेटा दिया गया है डाया पार्टिकल या साइज ऑफ पार्टिकल परसेंटेज फाइनल। अब इस डेटा के बेसिस पे करना क्या है, पूछा है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर दिस सोयल। फर्स्ट क्या पूछा है, प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर दिस सोयल। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा, सेकेंड क्लासिफाई द सोयल, सेकेंड
classify the soil, and third calculates CU and CC value of the soil. Calculate CU यानी coefficient of uniformity and CC coefficient of curvature for the soil. तो ये तीन चीजें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट में क्या करना है, प्लॉट करना है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सेकंड क्लासिफाई करना किस तरह का सोयल है. तो हम लोग पढ़े थे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के बेसिस पे जब भी हम लोग सोयल को क्लासिफाई करते हैं तो या तो वेल ग्रेडेड सोयल होता है या तो यूनिफॉर्मली या तो पुअरली ग्रेडेड. तो उनमें से ही बताना कि किस तरह का सोयल है. और सैंड होगा या ग्रेवेल होगा तो सी यू और सी सी के बेसिस पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे और उसके बेसिस पे देखते हैं कि सैंड होता है कि या ग्रेवेल होता है. तो सी यू और सी सी भी फाइंड आउट करना है इस डेटा की. तो फर्स्ट अगर देखें आपका प्लॉट करना है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो मैं बताया था कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है वह दो डेटा के बेसिस पे या दो डेटा के बीच में ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट होता है आपका साइज ऑफ पार्टिकल और सेकेंड होता है परसेंटेज फाइनर. परसेंटेज फाइनर वाई एक्सिस पे रखते हैं और डाया या साइज ऑफ पार्टिकल एक्स एक्सिस पे रखते हैं. तो अगर फर्स्ट की हम लोग बात करें फर्स्ट का तो परसेंटेज फाइनर हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज फाइनर और डाया या साइज ऑफ पार्टिकल एक्स एक्सिस पे. तो साइज या डाया एमएम में एक्स एक्सिस पे. तो अगर डाया देखे 2 mm है और परसेंटेज फाइनर क्या है 100 है. तो मैं बताया था कि परसेंटेज फाइनर है तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्केलिंग कर लेंगे अपने सुविधा के अनुसार 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस तरह से स्केलिंग कर लेंगे. ऐसे ही जो साइज ऑफ पार्टिकल है जो एमएम में दिया है तो उस डेटा के बेसिस पे हम लोग एक्स एक्सिस पे स्केलिंग करते हैं. तो ये देख के जो भी डिजिट है या जो भी वैल्यू दिया है उसके बेसिस पे हम लोग ये आइडिया लगाएंगे कि किस तरह का स्केल लेना ज़्यादा सुविधाजनक है. तो अगर हम लोग देखें तो पॉइंट में भी है साइज ऑफ पार्टिकल 0.7 है और 0.1 है 0.2 है. तो हम लोग 0.55 का डिफरेंट में स्केलिंग कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ से स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे ले लिए 0.5 और फिर 1 फिर 2 उसके बाद 0.1 का डिफरेंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 फिर यहाँ पे आएगा 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5 यहाँ पे आ गया आपका 3.5 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. चीज़ें बहुत आसान है बस समझना इम्पोर्टेंट है. तो ऐसा नहीं है कि ये स्केलिंग जो बुक में दिया है या जो सॉल्यूशन में वही आपको कॉपी करना है. अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर फर्स्ट रीडिंग देखें हम लोग 2 और 100 तो 2 साइज ऑफ पार्टिकल यहाँ पे है और 100 देखेंगे तो परसेंटेज फाइनर यहाँ पे है. तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा अगर देखेंगे तो यह एक पॉइंट आप मार्क कर लीजिए इस तरह से. सेकेंड अगर देखें अब 1.4 पे जो परसेंटेज फाइनर 94 है तो 1.4 आएगा आपका यहाँ पे 1.5 से पहले कहीं पे आएगा आपका. यहाँ पे इसमें बीच में कहीं आएगा
और परसेंटेज फाइनल 94, तो 94 यहाँ पे कहीं, तो यहाँ भी एक पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, तो यह पॉइंट मिल गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड रीडिंग देखेंगे तो 0.6 है, 0.6 देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा, और परसेंटेज फाइनल 68, तो 68 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। तो प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो चीजें प्रॉपर आएगी, हम लोग रफली ड्रा कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे ड्रा करते हैं। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट रीडिंग, तो 0.425 है, तो 0.42 यानी इसी के आसपास आएगा, 0.5 के आसपास, इससे पहले थोड़ा सा। परसेंटेज फाइनल अगर हम लोग देखें तो 54, तो 54 यहाँ पे कहीं आ गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो 0.25, तो 0.25 अगर देखें तो इसके हाफ पे आएगा कहीं पे, और 30 है तो 30, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद 0.15 और ज़्यादा कम है आपका, तो कहीं और इधर आएगा, तो 16 है, तो 16 यहाँ पे, तो एक मार्क, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया इस तरह से। तो 0.75, तो वो स्केलिंग अगर और कम से करना चाहिए था तब और ज़्यादा क्लियर आता। तो 0.75 कहीं यहाँ पे जीरो के अप्रोक्सीमेट आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, और परसेंटेज फाइनल 4 है, तो यानी यहाँ पे 4 कहीं यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट इसके आसपास मिल जाएगा। अब जितने पॉइंट आप मार्क किए हैं सब पॉइंट को आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। तो ये जो लाइन मिल रहा है, जो कर्व दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसी को हम लोग बोलेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये क्या है, ये आपका पार्टिकल या ग्रेन कह सकते हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और हम लोग को याद भी है कि अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कर्व के अंदर बहुत सारे साइज आ रहे हैं, बहुत सारे साइज मिक्स आ रहे हैं, तो अगर कोई कर्व यह डिनोट करता है कि बहुत सारे सोयल सैंपल के पार्टिकल्स हैं या बहुत सारे साइज उसके अंदर हैं, तो उस सोयल को हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड। यानी अगर कोई सोयल है या आप कह सकते हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो ड्रा किया गया है, अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल के लिए बना है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज आ रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड। अगर यहाँ से आइडिया लगाएं तो एक आइडिया, रफली आइडिया अगर हम देखें तो एक चीज समझ में आ रहा है कि जो सोयल का नेचर है अब वेल ग्रेडेड होना चाहिए। लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे टर्म्स निकालना है, CUCC से भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि वेल ग्रेडेड होगा कि क्या होगा। तो कर्व से अगर हम लोग देखें तब आइडिया लग रहा है कि जो आंसर होना चाहिए क्लासीफाई द सोयल जो सेकेंड पूछा है, तो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। अब वेल ग्रेडेड क्या होगा, सैंड होगा या ग्रेवल होगा, यह तो CU और CC बताएगा। तो सेकेंड क्लासीफाई द सोयल, तो क्लासीफाई द सोयल के लिए इसको छोड़ देंगे, थर्ड पे आएंगे, पहले CU और CC निकालेंगे। तो CU निकालेंगे, अगर देखेंगे CU, तो CU इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे, यह होता है D60 डिवाइड बाय D10, और CC हम लोग पढ़े थे D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10, ये हम लोग पढ़े थे। अब D60 क्या होगा, D60 होता है आपका, अब परसेंटेज फाइनल 60% फाइनल पे जो साइज होता है पार्टिकल का, उसी को हम बोलते हैं D60।
तो 60 यहाँ पे कहीं नहीं है, ना तो 10 है और ना ही 30 है कहीं पे, 30 है यहाँ पे देखेंगे तो 30% फाइनल पे जो साइज या पार्टिकल देगा उसी को हम लोग बोलेंगे D30। तो D30 की वैल्यू तो पता है, लेकिन D10 और D60 निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि परसेंटेज फाइनल 10 भी नहीं है और परसेंटेज फाइनल 60 भी नहीं है। तो CU और CC का फार्मूला ये रखेंगे और D60, D10, D30 निकालना है आपको वैल्यू, तभी CU और CC हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब 60 और D60 की हम लोग बात करें तो D60 क्या होता है, 60% फाइनल पे साइज या पार्टिकल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं D60। तो अगर परसेंटेज फाइनल 60 कहीं पे नहीं है, अगर 60 होता तो सिंपल हो जाता, ऐसे D10 होता है, D30 होता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप कर्व से निकालें। अब कर्व से कहाँ पे निकालेंगे, 60 से निकालेंगे। यहाँ पे कर्व से निकालना क्या है, D60 कहाँ पे आएगा, 60% फाइनल पे चलेंगे, जो कर्व पे जहाँ पे कट करेगा वहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे साइज वाले एक्सिस पे, और जो यहाँ पे वैल्यू देगा उसी को हम लोग बोलेंगे D60। ऐसे D10 निकालना है तो परसेंटेज फाइनल 10 से चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक कर्व को कहीं कट ना करे, यहाँ पे कट करेगा तो एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे साइज वाले एक्सिस पे, और जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे D10। ऐसे D30 निकालेंगे, 30 से चलेंगे कर्व की तरफ कट करेगा, एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे साइज वाले एक्सिस पे, जो वैल्यू मिलेगा साइज का उसी को हम लोग बोलेंगे D30। तो ये तो अगर आपके पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो कैसे कर्व से निकालते हैं D60, D10, D30, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर टेबल से निकालना है तो क्या समझ में आएगा, तो टेबल से निकालना पहले तो वैल्यू समझना होगा कि D60 और D10 या D30 का मतलब क्या है। तो 60 जो डिजिट होता है उसका मतलब होता है परसेंटेज फाइनल और D मीन्स होता है साइज। यानी अगर D60 निकालना है इसका मतलब यह है 60% फाइनल पे जो पार्टिकल का साइज है उसी को हम लोग बोलते हैं D60। तो यह अगर परसेंटेज फाइनल वाले रो में हम लोग जाएँ तो 60 कहीं नहीं है, 60 कहीं है नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते D60 का। ऐसे ही D10 देखें तो D10 का मतलब क्या है, D10 का मतलब 10 यानी परसेंटेज फाइनल, D यानी साइज। तो 10% फाइनल वाले रो में कहीं नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो डेटा दिया है उस डेटा से डायरेक्ट हम लोग D10 नहीं निकाल पाएंगे। अब D60 देखते हैं, तो D60 का मतलब क्या है, D30 का मतलब है 30% फाइनल, तो 30% फाइनल मिल गया यहाँ है। तो इसका मतलब क्या होता है D30 का, तो D30 का मतलब यह होता है 30% फाइनल पे जो पार्टिकल का साइज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं D30। तो D30 की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गया, लेकिन D60 D10 नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज फाइनल डायरेक्ट वैल्यू नहीं है 60 और 10। तो दूसरा क्या तरीका होता है निकालने का, दूसरा ये तरीका होता है कि अगर आपके पास कर्व है तो कर्व से कैसे निकालते हैं ये सारे डी वाले वैल्यू। तो अगर 10 निकालना है तो 10% फाइनल से चलेंगे, कर्व पे जहां कट करेगा वहां से एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं साइज वाले एक्सिस पे, और जो यहां पे साइज की वैल्यू मिलेगा वह भी D10 देता है। ऐसे 60 निकालते हैं, ऐसे 30 निकालते हैं। लेकिन एक तो हम लोग जो कर्व ड्रा किए हैं तो किस तरह से ड्रा की करते हैं वो हम लोग सीखे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगा नहीं यहाँ से। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नोट करें तो यह एग्जैक्ट वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर स्केलिंग करके हम लोग बनाए नहीं। तो अगर इससे बचना है और डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास यही टेबल है और टेबल के हेल्प से ही आपको CU और CC फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। तो एक तो तरीका यह है कि एवरेज वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करें। अगर D60 निकालना है तो 60 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब 60 इन दोनों वैल्यू के बीच में आएगा, 54 और 68 के बीच में कहीं पे आएगा 60। इसका मतलब यह है D60 की वैल्यू इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे कहीं आएगा। एक तो ये तरीका,
ऐसे ही अगर D10 की हम लोग बात करें तो 10 कहाँ पे आएगा, 10 4 और 16 के बीच में यहाँ पे कहीं 10 आएगा, परसेंटेज फाइनल जो 10 यहाँ पे आएगा, तो D10 की वैल्यू इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या है, अगर प्रॉपर इसमें भी हम लोग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे कुछ लोग करते क्या है, मान लीजिए हमें D10 की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए जो वैल्यू है D10, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, अब इंटरपोलेशन फार्मूला अगर हमें आता है तो एग्जैक्ट वैल्यू तक हम लोग पहुंच सकते हैं कि कैसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इंटरपोलेशन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इंटरपोलेशन जो फार्मूला होता है, यह फार्मूला आपका एक तो सोयल मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं, यानी यहां भी हम लोग यूज करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हैं। दूसरा RCC में भी हम लोग इंटरपोलेशन फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, और थर्ड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे इंटरपोलेशन फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो इंटरपोलेशन फार्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन जगह हम लोग यूज करते हैं इंटरपोलेशन फार्मूला, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इंटरपोलेशन फार्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, तो डी वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं, CuCc निकालना है तो देखते हैं वैल्यू क्या क्या है। D30 की वैल्यू डायरेक्ट निकल गया है, इसकी वैल्यू है आपका 0.25। हमें निकालना क्या है अभी, D60 निकालना है और D10 निकालना है, तभी CuCc निकाल सकते हैं। तो D60 निकालना है हमें, तो मैं बताया था कि D60 किसके बीच में होगा, इन दोनों डिजिट के बीच में होगा। तो इंटरपोलेशन फार्मूला, तो अकॉर्डिंग टू इंटरपोलेशन फार्मूला तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकालना, जैसे सपोज करिए आपको D60 की वैल्यू निकालना है, तो D60 लिख देंगे माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, तो फर्स्ट वाली वैल्यू अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू यह हो जाएगी, क्योंकि यह आपका यहाँ से इधर चल रहा है, यह वाला परसेंटेज कम है और यह वाला ज़्यादा आया, तो पहले कौन सा आया था, पहले ये वाली वैल्यू आई थी। तो D60 निकालना है, तो D60 माइनस पहली वाली वैल्यू, तो यह फर्स्ट वाली वैल्यू हो गया। यानी D60 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वही कहीं D60 देगा। तो पहली वाली वैल्यू ये हो गया, लास्ट वाली वैल्यू ये हो गया, तो D60 माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.425 डिवाइड बाय लास्ट वाली वैल्यू, तो लास्ट वाली वैल्यू 0.6 माइनस पहली वाली वैल्यू। ये फार्मूला होता है इंटरपोलेशन में, जो अननोन है माइनस पहली वाली वैल्यू डिवाइड बाय लास्ट वाली वैल्यू माइनस पहली वाली वैल्यू इक्वल्स टू। अब परसेंटेज फाइनल पे आएंगे, तो परसेंटेज फाइनल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज फाइनल, तो किस पे निकालना हमें, 60 पे निकालना था, यानी D60 साइज है, किस पे निकालना था, 60 परसेंटेज फाइनल पे निकालना है। तो 60 ये अननोन है, लेकिन ये तो नोन है ना, कितने निकालना हमें,
60 पे निकालना है। तो 60 माइनस पहली वाली वैल्यू डिवाइड बाय लास्ट वाली वैल्यू माइनस पहली वाली वैल्यू, ये इक्वेशन। तो ये इंटरपोलेशन फार्मूला। अब एक इक्वेशन एक अननोन यहां से सॉल्व करेंगे तो डी 60 निकल जाएगा। तो या तो आप एवरेज लेते और एवरेज लेते तो आंसर हो सकता नहीं आता, मैच नहीं करता, लेकिन इंटरपोलेशन फार्मूला से एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट में हम लोग इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां से डी 60 सॉल्व करके निकालेंगे तो यह आएगा आपका 0.5। तो 0.5 अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.5। और वैसे भी हम लोग अगर एवरेज करते हैं, अगर एवरेज करके देखें डी 60 की वैल्यू, तो एवरेज करते तो 0.6 प्लस, तब भी लगभग लगभग वही आता 0.4 4 to 5 डिवाइड बाय 2। तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाता आपका 5 2 0 1, यह आ जाता। तो यह भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग लगभग लगभग वही आएगा 0.5 समथिंग, एवरेज से भी मैच कर जा रहा वैसे। तो यह कॉन्फिडेंट है कि आपका मैच कर गया, लेकिन इससे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। तो दोनों प्रिफर कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर एवरेज वाला कांसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या करिए, दोनों वैल्यू जोड़िए और एवरेज करिए, उसके बाद जो भी वैल्यू आ रहा है डी 60 के इक्वल ले लीजिए। टाइम है तो इंटरपोलेशन फार्मूला पे जाएंगे। चीजें समझ में आना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। डी 60 निकालना है तो डी 60 टेबल से भी निकल जाता, लेकिन कब, जब परसेंटेज फाइनल 60 होता तो निकल जाता, लेकिन 60 नहीं। अब अगर डी 10 निकालना है तो डी 10 निकालना है तो एवरेज अगर देखें हम लोग तो डी 10 अगर निकालें तो एवरेज अगर हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो डी 10 इक्वल्स टू 0.15 प्लस 0.075 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज करेंगे, एवरेज वैसे डी 10 की वैल्यू आना चाहिए 0.11। डी 10 की वैल्यू आएगा आपका 0.11। एक तो एवरेज वाला फार्मूला आपका, ये क्या है, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है आपका, एवरेज कॉन्सेप्ट। और इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे बहुत सिंपल है, क्या निकालना है डी 10 माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 0.075 डिवाइड बाय लास्ट वाली वैल्यू 0.15 माइनस 0.075 इक्वल्स टू, किस पे निकालना था, 10 पे निकालना था माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू डिवाइड बाय लास्ट वाली वैल्यू माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व करेंगे यहां से डी 10 इक्वल्स टू 0.11 यहां से आंसर है। तो डी 10 डी 60 डी 30 हमारे पास हो गया, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे आंसर। तो डी 60 की वैल्यू 0.5 और डी 10 की वैल्यू 0.11 सॉल्व करेंगे तो सी यू की वैल्यू आएगी 4.54 और सी सी तो 60 की वैल्यू 0.25 तो 0.25 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय डी 60 डी 60 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय डी 10 डी 10 की वैल्यू 0.11 सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 1.136
हम लोग पढ़े थे कि सी यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन फोर है, ग्रेटर देन फोर है तो होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। इफ सी यू इज ग्रेटर देन फोर देन द सोयल इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो वेल ग्रेडेड सोयल तो आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा। अब सी सी की वैल्यू हम देखे हैं तो सी सी की वैल्यू कहाँ से, एक से तीन के बीच में। तो एक से तीन के बीच में अगर सी सी की वैल्यू होता है तो जो सोयल होती है वो क्या होता है, वेल ग्रेडेड सोयल होता है। इसका मतलब यह है, जो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा था, सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि क्लासीफाई द सोयल, यानी सोयल क्या होगा, आपको कैटेगराइज करना है, बताना है कि किस तरह का सोयल है। तो यहाँ पे देखेंगे सी यू क्या है, ग्रेटर देन फोर, और यहाँ सी सी क्या है, सी सी एक से तीन के बीच में है। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड का आंसर जो होगा सोयल जो होगा वेल ग्रेडेड सोयल क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा आंसर। कभी कभी क्वेश्चन कैसे ग्रांडे मेथड जब हम अप्लाई करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन डेटा दिया रहेगा और आपसे कहेगा लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकालिए। तो जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी एके टू के एग्जाम में कम से कम तीन से चार बार आ चुका है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, डेफिनेशन तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, तो ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन है डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट डेटा परफॉर्म ऑन द सोयल। कह रहा है कि सोयल के ऊपर टेस्टिंग किया गया और टेस्टिंग करने के बाद जो डेटा मिला है उस डेटा के बेसिस पे हमें लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट डेटा परफॉर्म ऑन द सोयल। तो डेटा क्या है, डेटा देखते हैं हम लोग, डेटा दिया है। तो अगर हम लोग डेटा की बात करें तो कैसे ग्रांडे जब भी अप्लाई करते थे तो वहाँ पर फ्लो कर्व ड्रा करते थे। अब फ्लो कर्व हम लोग देखते, फ्लो कर्व जब हम लोग ड्रा करते थे तो वहाँ पर नंबर ऑफ ब्लो और वाटर कंटेंट के बीच में कर्व ड्रा करते थे। तो वही वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ ब्लो दिया है टेबल में और वाटर कंटेंट की वैल्यू दिया है। तो टेबल दिया आपका नंबर ऑफ ब्लो और वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट की वैल्यू दिया है। तो फर्स्ट वैल्यू दिया है आपका नंबर ऑफ ब्लो अगर 38 है और वाटर कंटेंट कितना था 16%। सेकेंड दिया है कि वाटर कंटेंट था आपका 17 और नंबर ऑफ ब्लो आपका 34। तो यह 17 34। थर्ड डेटा दिया है वाटर कंटेंट 20 था, 20 तो नंबर ऑफ ब्लो कितना था 20। वाटर कंटेंट और बढ़ाए हम लोग, और बढ़ा के कितना किए 22 किए, तो नंबर ऑफ ब्लो कितना हो गया 12 हो गया।
हम लोग पढ़े भी थे कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे नंबर ऑफ ब्लो कम लगेगा, यानी जो हम लोग जो सोयल बनाते थे यूनिफॉर्म पेस्ट बनाते थे उसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे ग्रूविंग टूल्स की हेल्प से, और ग्रूविंग टूल से हेल्प से हम जब अलग करते थे तो नंबर ऑफ ब्लो स्ट्रोक देते थे, और तब तक स्ट्रोक देते थे जब तक दोनों पोर्शन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में 12 mm तक चिपक न जाए। जब आपस में स्टिक कर जाता है 12 mm तक तो वहीं पे हम लोग प्रोसेस को रोक देते थे और कितना नंबर आप ब्लो या कितना नंबर आप स्ट्रोक दिए उसको काउंट करते थे। तो जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ाएंगे आप नंबर ऑफ ब्लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू आप डिक्रीज करते रहेंगे तो नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा होते हैं। तो रीडिंग भी उसी तरह दिया है, हमें निकालना क्या, हमें इस डेटा के बेसिस पे लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकालना है। तो लिक्विड लिमिट हम लोग तो पढ़े थे कि फ्लो कर्व ड्रा करना पड़ता है लिक्विड लिमिट अगर निकालना है कैसे, ग्रांडे मेथड से। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है, कभी कभी फ्लो कर्व ड्रा करने के लिए भी बोल सकता है इस डेटा के बेसिस पे। तो जैसे हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करते हैं वैसे भी हम लोग फ्लो कर्व भी ड्रा कर सकते थे इस डेटा के बेसिस। तो अगर फ्लो कर्व हमसे ड्रा करने के लिए बोल देता तो बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ ब्लो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ ब्लो एक्स एक्सिस पे, और वाटर कंटेंट हम लोग डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ ब्लो, वाटर कंटेंट देखेंगे कि वाटर कंटेंट का स्केलिंग करेंगे तो पहले देखेंगे 16, 17, 20, तो 5-5 का अगर डिफरेंट लें तो ये 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ ब्लो अगर देखें तो 5-5 का डिफरेंट लेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट से अगर डिजिट गए 38, नंबर ऑफ ब्लो 38 है 38, तो 35, 38 यहाँ पे कहीं आएगा तो, और वाटर कंटेंट की वैल्यू कितना है 16, तो 16 यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया कहीं, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। सेकेंड अगर डेटा हम देखें तो वाटर कंटेंट की वैल्यू 17 है, कुछ ज़्यादा है पहले वाले वैल्यू से, और नंबर ऑफ ब्लो 34 है, तो 34 यानी इस 35 से पहले आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, और यह तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, दो पॉइंट हो गया। थर्ड वैल्यू 20 20, तो 20 है और ये 20 है, तो ये 20, ये 20, तो एक पॉइंट ये मिल गया। नेक्स्ट वाली अगर लास्ट वाली वैल्यू देखें तो वाटर कंटेंट 22 22, यानी यहाँ पे कहीं आएगा, और वाटर कंटेंट वैल्यू 12, तो 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। अब जितने पॉइंट है उसको मिला देंगे इस तरह से तो एक लाइन मिल जाता है। अगर एक लाइन नहीं आ रही इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आप ड्रा करने में गलती की, यानी फ्लो कर्व जो होना बनना चाहिए वह स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तो यह होता है फ्लो कर्व। फ्लो कर्व तो मोस्टली अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनता है। अब फ्लो कर्व हमारे पास है, हमसे कोई बोल देता है कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकालिए, हमारे पास ये चीज़ें हैं और यहाँ पे हमसे कोई बोल दे कि लिक्विड लिमिट निकाल के बताइए कितना होगा, बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि 25 स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लो पे, 25 स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लो पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है, जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू आएगी वही क्या देगा लिक्विड लिमिट आंसर, बहुत सिंपल। तो कर्व से हम लोग इस तरह से निकालते हैं, वही चीज़ें हम लोग टेबल से भी निकालेंगे, लेकिन अगर वाट नंबर ऑफ ब्लो
25 होता तो आंसर वो टेबल देख के बता देते कि कितना आंसर होगा, लेकिन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ग्रुप 25 है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो अगर आंसर निकालना है और नंबर ऑफ ग्रुप 25 नहीं है तो आपके पास दो तरीका है, पहला कि फ्लो कर्व ड्रा करिए और इस तरह से आप निकालिए, दूसरा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाइए निकालिए, तीसरा इंटरपोलेशन फार्मूला। तो तीन तरीके हैं निकालने के एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने के। तो अगर हम लोग रफली ये ड्रा किए थे, अगर देखें इसका मतलब ये है कि 15 और 20 के बीच में आएगा वैल्यू, रफली से आइडिया हम लोग लगा लिए कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू 15 और 20 के बीच में आएगा। यहाँ अगर देखें, यहाँ से एवरेज कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें, एवरेज कॉन्सेप्ट तो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लो 25 होता है, 25 पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होगी वही आपका लिक्विड लिमिट देगा। तो 25 कहाँ आएगा देखेंगे, 20 और 34, इसका मतलब इन दोनों डिजिट के बीच में कहीं आएगा 25 स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लो, और 25 पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी वही देगा लिक्विड लिमिट, इतना तो हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाएं, एवरेज कॉन्सेप्ट, तो लिक्विड लिमिट होना चाहिए 70 + 20/2, ये हो जाएगा आपका 37/2, और 37 यानी कितना आ जाएगा 18.5%। तो ये गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आंसर मैच करें। तो एवरेज कॉन्सेप्ट ये है, ये तब अप्लाई करेंगे, मैं बताया था कि तब अप्लाई करेंगे आपके पास टाइम नहीं, एवरेज वाला यानी एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है तो इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करिए आप, एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इंटरपोलेशन फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे, इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या निकालना है हमें लिक्विड लिमिट, बहुत सिंपल है, क्या निकालना है लिक्विड लिमिट माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। अब फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अगर देखें, इसके बेसिस पे देखना है तो 20 था 35, तो फर्स्ट वाली वैल्यू कितना आ जाएगा 20/ लास्ट वाली वैल्यू माइनस पहली वाली वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ किस पे निकालना है 25 पे निकालना है, पहली वाली वैल्यू 20/ लास्ट वाली वैल्यू 34 माइनस पहली वाली वैल्यू 20, एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व करेंगे आंसर। तो यहां से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 14, ठीक है, और इधर सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिक्विड लिमिट माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 5/14। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से तो लिक्विड लिमिट आ जाएगा आपका 14 के आसपास आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इंटरपोलेशन फार्मूला सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी हम लोग काम चला लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन इंटरपोलेशन फार्मूला जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए, वहाँ इंटरपोलेशन फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे तीन रास्ते हैं, हम लोग इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं, और एवरेज कॉन्सेप्ट भी कभी कभी एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाता है। तो तरीके यहाँ पे हैं, इंटरपोलेशन से हम लोग बच सकते हैं, लेकिन RCC है या स्टील के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे इंटरपोलेशन फार्मूला से हम लोग बहुत शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं, तो सीखना या अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है और यह बेस है आपका प्लास्टिसिटी चार्ट, यह बेस्ड आपका प्लास्टिसिटी चार्ट पे है। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में बोला है ड्रा ए नीट स्केच ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट एज गिवन बाय आई इंडियन स्टैंडर्ड एंड क्लासिफाई द सोयल विद द, तो कह रहा है पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लास्टिसिटी चार्ट ड्रा करिए, तो प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या करना है, कह रहा है कि सोयल को क्लासिफाई करना है, सोयल को आपको बताना है, डेटा दिया है, कह रहा क्लासिफाई द सोयल विद लिक्विड लिमिट, क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट की वैल्यू दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिक्विड लिमिट की वैल्यू दिया है आपका 75% एंड प्लास्टिक लिमिट, एंड प्लास्टिक लिमिट इक्वल्स टू 42%। तो ये डेटा दिया, दो डेटा दिया है, इसके बेसिस पे आपको निकालना है। ये आपके पास दो डेटा दिया है और प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करके आपको बताना किस तरह का सोयल होगा। तो प्लास्टिसिटी चार्ट में हम लोग पढ़े थे ए लाइन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा से पहले निकालेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो आईपी निकालते हैं। तो आईपी क्वेश्चन हम लोग जानते हैं WL-WP और ये आ जाएगा 75-42 इक्वल्स टू कितना आएगा 33%। उसके बाद निकालते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बहुत सिंपल है। प्लास्टिसिटी चार्ट पे न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल दो ही डेटा निकालना होता है, एक तो आईपी इस डेटा के बेसिस पे निकालते हैं और एक आईपी हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन से। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर हम अप्लाई करेंगे तो जानते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वल टू आई पी इक्वल टू होता है 0.73 WL-20, ये इक्वेशन होता है। तो 0.73 WL की वैल्यू दिया है कितना, लिक्विड लिमिट की वैल्यू 75 दिया है 20, तो सॉल्व करेंगे 0.73 और ये आपका हो जाएगा 55। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आईपी की वैल्यू क्या आ रही है, आईपी की वैल्यू आ जाएगी 40.15 आ गया। तो ए लाइन का, ए लाइन के बेसिस पे जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो 40.15 है और जो डेटा दिया आपका क्वेश्चन में उसके बेसिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो 33% आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ए लाइन की आईपी है वह ज़्यादा है, जो डेटा दिया उसके बेसिस पे जो वैल्यू निकला है 33%। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, जो डेटा दिया है सोयल के लिए, वह ए लाइन के नीचे जा रहा है। जो सोयल दिया है, सोयल के लिए जो डेटा दिया है उसके लिए हम लोग आई पी निकाले हैं कितना आ रहा 33% और ए लाइन के लिए कितना होना चाहिए आई पी 40.15 होना चाहिए। तो 40.15 से वैल्यू क्या है, कम है, इसका मतलब जो सोयल दिया है वो ए लाइन के नीचे है। जो सोयल है, जो सोयल के बेसिस पे हम लोग आई पी निकाले हैं वो ए लाइन के बेसिस पे जो आई पी होना चाहिए उस वैल्यू से कम आ रहा है, कम है, इसका मतलब वो सोयल क्या है ए लाइन के नीचे है। तो ए लाइन के अगर नीचे आ रहा है इस डेटा के बेसिस पे, इसका मतलब या तो सिल्ट होगा, या तो सिल्ट होगा, या तो ऑर्गेनिक सोयल होगा, दो ही चीज होती है ए लाइन के नीचे। अब देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो सोयल है प्लास्टिसिटी चार्ट में उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं,
जो फाइन ग्रेन सोयल होती है वो तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड किए हैं, एक तो हाई कंप्रेसिबल सोयल, इंटरमीडिएट और लो कंप्रेसिबल सोयल। और ये हम लोग कैसे जज करते हैं, ये हम लोग जज करते हैं लिक्विड लिमिट के वैल्यू के बेसिस पे। तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है, 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो सोयल होगा तो यहीं पर डायरेक्ट इसी से आंसर लिख देंगे कि क्या है, यह तो सोयल क्या है, यह आपका हाई हाई कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल सिल्ट, या तो हाई कंप्रेसिबल सिल्ट या तो हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सोयल। तो अगर हमको सिंबल यूज करना है तो क्या लिखेंगे, आंसर MH, आंसर या तो MH होगा या तो OH होगा, आंसर। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट पे, बिल्कुल केवल दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना होता है, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, उसके बाद यू विल गेट द आंसर। तो आज के लिए इतना ही, हमें लगता है कि आज काफी हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल थे और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो जिसके बारे में पढ़ना और सॉल्व करना बहुत जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।